आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर प्याज की चटनी। ये चटनी डोसा, समोसा, वड़ा, आपे किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज, धनिया, सूखा मिर्ची, जीरा, चना दाल। पहले हम तेल गरम करते हैं, फिर उसमें जीरा डालेंगे, फिर उसमें सूखा मिर्ची डालेंगे। सूखा मिर्ची अपने स्वाद के हिसाब से दो चार डाल सकते हैं। फिर उसमें चना दाल डालेंगे। फिर उसमें हम प्याज डालेंगे। फिर उसमें हम टमाटर डालेंगे। अगर टमाटर खट्टा हो तो कम डालेंगे। यहाँ हमने 8 टमाटर लिए हैं। फिर इसका ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। टमाटर हमारा गल चुका है, इसके और 2 मिनट अच्छे से चला के पकाएंगे। टमाटर पूरा पक चुका है, इसको ठंडा होने देते हैं। फिर जार में डाल के उसको पीसेंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर उसमें नमक डाल के फिर 1 मिनट चला के उसको बाउल में निकालेंगे। आप चाहे तो इसमें इमली डाल सकते हैं या नींबू डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अपने स्वाद के हिसाब से ये कर सकते हैं। धन्यवाद।